हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पहाड़गंज जाने के लिए सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन है आरके आश्रम। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। पहाड़गंज में अगर मैं किसी से पूछूं कि सबसे मशहूर छोले भटूरे की दुकान कौन सी है तो एक ही जवाब आएगा, सीताराम के छोले भटूरे। आज के दिन की शुरुआत हम वहीं से करने वाले हैं, आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से। वहाँ पैदल पहुँचने में लगभग हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे। अगर आप दिल्लीआइट हैं तो यहाँ कभी ना कभी जरूर आए होंगे। ऑलमोस्ट सारे बड़े मीडिया चैनल्स ने यहाँ के छोले भटूरे का रिव्यू किया है। अगर भटूरे बनाने के थोड़ी देर बाद सर्व किए जाएं तो टेस्ट सॉगी हो जाता है, लेकिन यहाँ के भटूरे को सर्व करने की यूएसपी ही प्री कुक्ड है। छोले देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, खाने के बाद पता लगेगा यहाँ के छोले भटूरे की इतनी तारीफ लोग क्यों करते हैं। मेरे को सर्व करने का ये तरीका अच्छा लगा। चने में एक तरफ चटनी डाली है और दूसरी तरफ नहीं डाली, बाकी पेपर प्लेट में छोले भटूरे का सर्व किया है इस ट्रे के साथ। पहले मैं चने की बाइट लेके देखता हूँ बिना चटनी के। मुंह में चने को डालते ही पिघल गए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, अमेजिंग टेस्ट। अब थोड़ा सा चने के साथ देखते हैं, चटनी प्लस चने, मेरी ऑल टाइम फेवरेट चटनी होती है। मेरे को मज़ा आता है अलग से टेस्ट करने के अंदर। चटनी के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है पालक, पुदीना और दही, ये तीन चीज़ का फ्लेवर अलग से आ रहा है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ भटूरे के साथ। बहुत बढ़िया, भटूरे के अंदर पनीर की फिलिंग है, टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है पनीर फिलिंग का। पनीर फिलिंग भटूरा भले प्री कुक्ड है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि प्री कुक्ड है, ऐसा लग रहा है 10-15 मिनट पहले ही भटूरा बना है। इस चने के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आमरा और हरी मिर्च का अचार साथ में प्याज, बढ़िया कॉम्बिनेशन है छोले भटूरे के साथ। इन्होंने ये काम बढ़िया किया, अचार और प्याज टेबल पे ही दे दिए, सेकंड सर्विंग के लिए काउंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। ओवरऑल टेस्ट, हाइजीन और नीटनेस को अगर कंबाइन कर लें तो मुझे लगता है ये अच्छा पैकेज है। बाकी सब तो बहुत बढ़िया है लेकिन अगर यहाँ बैठने को मिल जाता तो मज़ा डबल हो जाता। इनका छोले स्वाद है, चना मसाला इनका स्वाद है, भटूरे में ऑयल कम है और सबसे खास कर सीताराम के भटूरे बहुत स्वाद लगते हैं सबको पहाड़गंज के। मैंने गुड़ लिया है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। इस बाज़ार का नाम है मेन बाज़ार पहाड़गंज। रोड के दोनों तरफ मार्केट है। ये रोड कनेक्ट करती है आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इस समय मेरे ठीक सामने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने अमृत कौर मार्केट है, यहाँ पर राधे श्याम छोले भटूरे की दुकान है। भटूरे मुझे वही पसंद है जो क्रिस्पी और फ्लफी हो। पहले चने टेस्ट करते हैं। फर्स्ट बाइट लेते ही मेरे को लगता नहीं कि मैंने किसी भी तरह का एफर्ट किया चने को खाने के लिए, पूरे मुंह के अंदर ऐसे मेल्ट हो गए जैसे कि मैं बहुत कुछ लिक्विड जैसा चीज़ ले रहा हूँ। चने का जो मसाला है बहुत ऑसम है और बेस्ट पार्ट ये है कि मसाले कोई भी एज ग्रुप का पर्सन खा सकता है, चाहे किसी 8 या 5 साल के बच्चे को खिला दो तो वो भी इस पर पानी नहीं मांगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है चने खाकर। चटनी टेस्ट की जाए सेपरेटली बिफोर आई ट्राई भटूरा। अनारदाना का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है, खटास के लिए अनारदाना डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है लेकिन मज़ा आ रहा है चने के साथ इसको खाने में। और मुझे जैसे हमने सीताराम में देखा कि आमरा का अचार था और प्याज थे और हरी मिर्च था, सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर भी दिखी है साथ में खाने के लिए। आई थिंक मिर्च का मज़ा आएगा चने के साथ खाने में। आप ध्यान से देखो भटूरे के अंदर पनीर की फिलिंग है, तो आई थिंक ये दो भटूरे खा लिए तो परफेक्ट लंच हो जाएगा।
मुझे लगता है भटूरे छोले की प्लेट के अंदर हर चीज़ का एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से चटनी हटा दें तो वैल्यू कम हो जाएगी, प्याज हटा दें तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो आई थिंक फॉर अ परफेक्ट भटूरा छोला दिस इज़ हाउ वन शुड ईट इट। बड़ा कम ऐसा होता है जब मैं फूड एक्सप्लोर करते हुए बैक टू बैक छोले भटूरे जैसी चीज़ दो जगह खा लूँ, लेकिन आज तो कोई चॉइस ही नहीं थी क्योंकि ये दो जगह सीताराम प्लस यहाँ पर ये बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर छोले भटूरे के लिए। अब अगर आप मुझसे अभी तक खाया हुए से पूछो कि कौन से भटूरे बेटर लगे तो मैं आपको ये और ये में आंसर नहीं कर पाऊँगा। वहाँ मुझे अच्छा क्या लगा था कि मुझे लगा भटूरे में ऑयल काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्लफ़ी भटूरा सामने आया तो थोड़ा तो ऑयल एटलीस्ट देखने में तो लगता है कि ऑयल ज़्यादा है। दूसरी बात, चने मैंने 5-6 बाइट ले लिए हैं, विदाउट अ डाउट मुझे ऐसा लग रहा है चने में यहाँ पर ऑयल काफ़ी कम है, तो चने खाने में ऑयल की फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही। बाकी मज़ा तो दोनों जगह है। अगर आप पहाड़गंज जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डू समथिंग लाइक व्हाट वी आर डूइंग, आप दोनों जगह एक एक भटूरा ट्राई ज़रूर करना और हमारे चैनल में आके ज़रूर बताना हमारे को आपको दोनों जगह के भटूरे कैसे लगे। मैं पक्का इंतज़ार करूँगा आपके इंडिविजुअल कमेंट्स का टेलिंग मी अबाउट द टेस्ट ऑफ दीज टू प्लेसेस। दिस इज़ यू नो काइंड ऑफ यू कैन से द बेस्ट ऑफ दिल्ली। सर हमारा जो सुबह मॉर्निंग जो खुलने का टाइम है सुबह 8 बजे से शाम को 4:30 और 5:30 के बीच में कभी भी ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभार हो जाता है कि कभी 1.5 घंटा पहले ख़त्म हो जाए। और हमारे यहाँ कस्टमर के लिए चने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, चाहे वो एक बार ले चाहे दो बार ले चाहे तीन बार ले। बस मना है कि वेस्ट ना करें, खाएं खूब आराम से प्रेम से। हमारी सेटिस्फेक्शन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में है, कस्टमर सेटिस्फाइड तो हम सेटिस्फाइड। मैं तब से आ रहा हूँ जब से यहाँ इनके फादर दुकान पर बैठते थे, अब जो है मेरे चाचा जी जो बरेली से आते हैं वो भी अपने बेटे के लिए स्पेशल यहीं से लेके जाते हैं, कहते हैं उसको पसंद ही यहीं के छोले भटूरे और कहीं के है ही नहीं। अब आके पहले बंगलोर ले जाते थे, अब बेटा वहाँ चला गया तो वहाँ लेके जा रहे हैं। बेटे ने कहा अभी जब तक वो भटूरे नहीं आना आपने आना नहीं। ओह गॉड, गुड़ की सस्पेंस ये है कि मैं भटूरे खाने के बाद पहले बहुत बार गुड़ खा चुका हूँ। कभी आप भी अपने घर पर या कहीं बाहर ट्राई करना, भटूरे छोले खाओ और उसके बाद गुड़ खा लो, इससे बढ़िया भटूरे छोले का क्लोजिंग कुछ नहीं हो सकता। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भटूरे छोले के बाद गुड़। अगर आप भटूरे छोले के साथ या उसके बाद में गुड़ खिला दो तो आपके भटूरे छोले 100 की जगह 110% हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक नेचुरल फूड है और इसको डाइजेशन के लिए इससे बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं है, गुड़ के अलावा कोई चीज़ नहीं है। वैसे मैं एग्री है इस बात के लिए। मैं इस समय डीवी गुप्ता रोड पे हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होटल्स हैं काफ़ी सारे। हम जा रहे हैं मुल्तानी डांडा, 2-3 अच्छे फूड जॉइंट्स हैं वहाँ पर, चलकर एक्सप्लोर करते हैं। इस टाइम मैं मुल्तानी डांडा में गली नंबर 8 के बाहर हूँ जनता स्वीट्स पर। ये है तो स्वीट शॉप लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है यहाँ के समोसे। इस समोसे में सबसे ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर मूंग दाल की फीलिंग है। मैंने आज तक कभी मूंग दाल की फीलिंग समोसे के अंदर एटलीस्ट नहीं खाई, खाकर टेस्ट करता हूँ कैसा आ रहा है। कुछ नया ट्राई करने के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। मूंग दाल के अंदर हल्का सा नमक मिक्स करके उसको फिल कर दिया गया समोसे के अंदर। आज तक तो हम आलू समोसे खाते आए हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मुल्तानी डांडा में। मुझे अभी अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ का मालपुआ ट्राई करो, तो मैंने समोसा ख़त्म होने से पहले मालपुआ ऑर्डर कर दिया है, मालपुआ हलवे के साथ। वैसे मालपुआ बनता कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैदा, सूजी और शक्कर को मिक्स करके बनाया जाता है जलेबी की तरह ऑयल के ऊपर। हाँ जी, मैं रजौरी आश्रम से आया हूँ। हमारे आश्रम में हर हफ्ते में मालपुए बनते हैं और खीर बनती है, और ये मैं लेने आया हूँ। यहाँ मतलब हलवे के साथ मालपुआ मिलता है, लेकिन हम आश्रम में सत्संग के बाद खीर के साथ मालपुआ बांटते हैं। आज से पहले मैं 3-4 बार मालपुआ खा चुका हूँ, हर बार मैंने इसको खीर के साथ खाया है, पहली बार मैं इसको हलवे के साथ खा रहा हूँ। अच्छा टेस्ट आ रहा है। अगर आपने आज से पहले मालपुआ कभी नहीं खाया, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये मीठा होता है, काफ़ी लोग इसको स्वीट डिश के तौर पर भी खाते हैं और जनरली ये माना जाता है कि ये मुल्तानी लोगों की डिश है। इस समय मैं मुल्तानी डांडा में हूँ, शॉप का नाम है मुल्तानी चावल छोले। इस जगह की खास बात क्या है कि यहाँ पर चावल छोले के अलावा ये गीला कुलचा मिलता है। ये गीला कुलचा एज अ कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार खाया है।
इसमें मोटा मोटा क्या होता है, कुलचे को छोलों के तरी के अंदर भिगोया जाता है, उसके बाद उसमें छोले डाले जाते हैं, उसको 4-5 स्लाइसेस में कट किया जाता है और सर्व किया जाता है। मैं खाकर आपको टेस्ट बताता हूँ इसका कैसा है। कुलचे को तरी में भिगोने से सॉफ्टनेस हो गई है, बाइट लेते ही मुंह के अंदर अपने आप पिघल गया, ऊपर जो चने डाले हैं इससे फिलिंग भी है, और साथ में जो चटनी डाली है वो चटपटी है, तो मेरे को एक तरह से चने का और चटनी का टेस्ट साथ में आ रहा है गीले कुलचे के। अब ओनर से खाने के बाद मैं पता लगाऊंगा कि ये बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि इस तरह की चीज़ मैंने आज तक कभी दिल्ली में नहीं खाई, गीला कुलचा। सबसे पहले कुलचे को हम छोले के पानी में डिप करते हैं, देन उसको छोले में मैश करके टमाटर की चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व करते हैं। ये हमारे ग्रैंडफादर्स ने स्टार्ट किया था और मेरे ख्याल से दिल्ली में आपको ये कहीं पे भी नहीं खाने को मिलेगा। डोसा तो हर तरफ मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन मुझे लगता है साउथ इंडियन फूड के अंदर जो मेन समझने की चीज़ होती है वो होती है सांभर। 70% टेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय सांभर एंड दीज टू चटनीज। अगर आप पहाड़गंज जाते हैं, ट्रस्ट मी, इस जगह आप आ जाना मुल्तानी डंडा में, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे साउथ इंडियन फूड को लेकर। अभी मैंने डोसा नहीं खाया, मैं सांभर से इंप्रेस हो गया हूँ। सांभर मसाला हम अपना हाथ से हम खुद ही बनाते हैं। ये इसमें 8-10 आइटम का मसाला आइटम पड़ता है। एक जो मेन आइटम है साबुत मिर्च, साबुत धनिया और हींग, सौंप और जीरा और सफ़ेद तिल वगैरह पड़ता है। इसके अलावा हमने अपना मद्रास से काफ़ी आइटम यहाँ से मंगाते हैं। मैं इस समय मुल्तानी डांडा की क्रॉसिंग में हूँ। मेरे सामने दो चूर नान की दुकान है, एक है कश्मीर स्वीट शॉप और दूसरी चावला जी दे मशहूर चूर नान। काफ़ी सुना है मैंने चावला जी के चूर नान के बारे में, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। विनोद दुआ जी जायका इंडिया से यहाँ पर चूर नान खाने आए थे। वैसे तो चूर नान कहीं पर भी देखो देखकर खाने की टेम्पटेशन होती है, लेकिन अपने सामने इस तरह से बनता हुआ देखकर खाने की टेम्पटेशन मुझे लगता है 2 times, 3 times, आई डोंट इवन रियली नो कि कितने टाइम्स बढ़ रही है। नान के अंदर आलू प्याज की फिलिंग है, उसके बाद इसको तंदूर में डाला गया। बाहर निकालने के बाद आपने देखिए इसको कैसे हाथ से क्रश करते हैं और उसके अंदर पहले बटर डालते हैं और दोबारा क्रश करके ऊपर एक और बटर की लेयर डालते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि ये इतना टेम्पटिंग और अपीलिंग लगता है कि समटाइम्स यू हैव टू फॉरगेट अबाउट डाइटिंग एंड जस्ट इन्जॉय चूर नान। चूर नान आज खाकर मेरे को अमृतसर के कुलचे की याद आ गई है। मैं भी जो पैकेज की बात कर रहा था राधेश्याम भटूरे पे, तो उसके अंदर भी जैसे पैकेज था सारी डिशेज का, ये नान इनकम्प्लीट होगा बिना इस बूंदी रायता के और उसके ऊपर पड़े हुए मसाले के। इस जगह मैं पहले कम से कम 4 या 5 बार आ चुका हूँ, ख़ास तौर पे समोसे और गुलाब जामुन के लिए। यहाँ के समोसे में सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है कि आलू की जो अंदर फीलिंग है एकदम सिंपल है, उसके अंदर कोई स्पाइस नहीं है, कोई मसाले हैवी मसाले पावर पैक मसाले नहीं हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के अंदर भी ऐसा स्वाद है कि एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकता। मैंने 2 ही समोसे आज से पहले इस लाइफ के खाए हैं, एक यहाँ पर पहाड़गंज में और दूसरा सोनीपत में आर के स्वीट्स। वेरी सिंपल बट वेरी गुड। शाम को तो इतनी भीड़ लगी होती है, 15-20 मिनट की वेटिंग होती है यहाँ पे समोसे खाने के लिए, और ये चने की सब्जी साथ में दे रहे हैं खाने के लिए। पहाड़गंज में नेहरू बाजार के पास में रतनलाल मार्केट है,
यहाँ पर कम से कम 50-60 दुकानें होंगी गद्दों की, यानी कि मैट्रेसेस। अगर आप दिल्ली से हैं और आपको घर में गद्दों की ज़रूरत है तो यहाँ के आप गद्दा परचेज कर सकते हैं। मेरे अंदाज में कम से कम 20-30% आपको प्राइस डिफरेंस मिल सकता है नॉर्मल मार्केट प्राइस वर्सेस द प्राइस दैट यू गेट आउट एट रतन लाल मार्केट। पहाड़गंज में इंपीरियल सिनेमा के सामने ये गोलगप्पे की दुकान है। 5 तरह का पानी है यहाँ पर, पुदीना, हाजमा, हजम, हींग, लहसुन और जीरा। वैसे भी स्ट्रीट फूड का वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें गोलगप्पे ना हो, तो अभी मैंने जीरा का पानी लिया। गोलगप्पे तो स्वाद ही हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर मेरे को हींग का पानी और हाजमा हजम पानी सबसे बढ़िया लगा यहाँ पर। ये स्टॉल शाम को 5 बजे खुलता है और 10 बजे तक का यह टाइमिंग है। अगर आप 5 तरह का पानी इंजॉय करना चाहते हो पहाड़गंज के अंदर गोलगप्पे पे, तो आपको लेट इवनिंग में आना पड़ेगा थोड़ा टाइम एडजस्ट करके। आज पहाड़गंज घूमते घूमते सुबह 10 बजे से शाम के 7 बज चुके हैं। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। अगर अभी तक आपने वीजर टू एक्सप्लोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं, नई डेस्टिनेशन, नया फूड। थैंक्स फॉर योर टाइम।